संवाददाता स्पर्श शर्मा ने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी लगातार करती हुई नजर आ रही है। आवेदन पत्र जो है वो कांग्रेस की तरफ से अब सार्वजनिक देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से है आवेदन पत्र, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आवेदन पत्र की। ये आवेदन पत्र जो है कोई भी भरकर जो है जमा करा सकता है। और हमारे साथ बात करने के लिए दीपक बाबरिया जी मौजूद है। सर, आवेदन पत्र सामने आ गया है, किस तरह की तैयारी है, क्या क्राइटेरिया रहेगा और किस तरीके से जो है अब कैंडिडेट जो है चुना जाएगा? देखिए, हमारा क्राइटेरिया एक ही है, कैंडिडेट जीता हो चाहिए। और दूसरा, जीता वो उम्मीदवार हो सकता है कि जिसके बारे में एक सार्वत्रिक सम्मति बनती है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनती है, सामाजिक सम्मति बनती है। तो जो उम्मीदवार का सामाजिक प्रभाव होता है, राजकीय प्रभाव होता है, सभी लोगों को साथ में लेने की उसके पास क्षमता होती है, नीचे मतदाताओं से उसका एक पकड़ होता है, और जिसके पास टीम है, तैयारियां हैं, तो नेचुरली वो जीतता है। तो ऐसे लोगों की सूची करके उसके लिए एक सर्व व्यापक सम्मति बनाने का वो हमारा लक्ष्य है। सर, ये जो आवेदन पत्र है वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आपने जो है उम्मीदवार मांगे हैं, या फिर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात की जाए उसको लेकर भी चूंकि कवायदे देखने को मिलती है नजर आ रही है, मुकुल वासनिक लगातार बैठ के कर रहे हैं, आप भी जो है अपना फीडबैक दे कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके का फीडबैक रहा था और क्या 10 की 10 सीटों पर जो है आवेदन मांगे गए? देखिए, हमारा कर्तव्य वो है कि पूरी हरियाणा की जनता के प्रश्नों को हम वाचा दें, उसकी भावनाओं को जो है हम उसका रिफ्लेक्शन दें। तो इसके लिए जो है हमारे तो जो हर जगह पे हमारा मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम तो बना ही रहेगा, कोई अलायंस पार्टनर आता है तो वो भी हमारा दायित्व बनता है कि हमारा वोट उनको ट्रांसफर करें, तो इसके लिए भी हमारा संगठन वहाँ सज होना चाहिए। मगर जहाँ तक हमारी कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियाँ हैं, हमने कांग्रेस हर घर कांग्रेस जो प्रोग्राम कर दिया है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी तरह से शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में उसका प्रभाव भी देखोगे। क्या लग रहा है सर, हरियाणा में आज जो है गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं गठबंधन के मामले में आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू एंसर यू एनीथिंग, आप कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस से बात करें। और सर, इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो हरियाणा कांग्रेस में एक अलग यात्रा देख रही थी, एसआरके यानी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे थे, उसको जो है मंजूरी मिलती हुई नजर आई है सर, उसके बारे में आप सर एक बार बता दीजिए कि किस तरह की प्रक्रिया रही? देखिए, कोई भी स्टेट में कोई भी प्रोग्राम बनते, पार्टी के प्रोग्राम होते हैं, तो पीसीसी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी हर स्टेट के लिए, तो उसमें जो स्टेट के प्रोग्राम होते हैं वो परामर्श से आपस की समझौती से होते हैं, बड़े लीडर से भी बात होती है। हरियाणा की जो एक पृष्ठभूमि का, राज्य की पृष्ठभूमि का पार्टी के लिए रही, उसमें कहीं ना कहीं जरूर से कम्युनिकेशन गैप रहते हैं, तो इसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो प्रस्तावित किया था उसके साथ साथ शैलजा जी ने भी ये कांग्रेस संदेश यात्रा प्रस्तावित कर दी। मेरी नज़र में आया कि उसके लिए जो आवश्यक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो आई ट्राई टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द ईच वर्कर एंड लीडर्स। इसी प्रकार की पैरेलल यात्रा से पार्टी को बहुत नुकसान होता है और विपक्ष को जो है उसके लिए पार्टी के ऊपर प्रहार करने का एक साधन मिलता है। और इसके बारे में गौहती यात्रा में मैं भी था, शैलजा जी भी थी, सुरजेवाला जी भी थे, तो वेणुगोपाल जी और अन्य लीडरों की उपस्थिति में एक चर्चा हुई और बड़ी संतोषकारक चर्चा हुई। सब लोग सहमत थे कि पार्टी की यूनिटी हमारे लिए सबसे सर्वोपरि, पार्टी की सरकार बनानी हमारे लिए सर्वोपरिता है। और मैंने शैलजा जी से निवेदन किया, मैडम आपने, और मैंने देखा था कि शी ऑल्सो प्रपोज्ड इट विद अ गुड इंटेंशन, तो आप जो है इसको पार्टी का स्वरूप दे दीजिए। उन्होंने वो अमेंडमेंट कर लिए और आज आप देखते हैं कि पूरे हरियाणा में पार्टी एक यूनिटी से बात उभर के आ रही है। सर, इनसाइड स्टोरी ये कि मामला आलाकमान तक पहुंचता हुआ नजर आया जो हम समझ रहे हैं, और चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी तो वहां पर ये पूरा मामला देखने को मिला, और उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी के साथ तमाम नेता बैठते हुए नजर आए, और वहां से जो है कहीं ना कहीं जो है ये कहा गया कि जो पूरा स्ट्रांग मैसेज है वो ये जाए कि सब एक साथ देखने को मिले। भैया, एक डिस्कशन, डेलिब्रेशंस और आपसी राजनीति में आपसी मतभेद होते हैं उसको कम करना वो हाईकमान का एक दायित्व होता है, और उसके लिए जो पर्याप्त जो कुछ भी करना है वो हाईकमान ने किया है। कई जगह पे मैंने प्रयास किया, कई जगह पे वेणुगोपाल जी ने किया, कई जगह पे इवन एसआरके ने किया, कई जगह हुडा जी ने किया, तो एवरी लीडर हैज प्लेड देयर रोल वेरी वेल, मैं इतना मैं आपको कह सकता हूँ।
सर इसके अलावा हम अंतिम प्रश्न ईवीएम को लेकर, चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार सवाली निशान उठते नजर आते, आप भी अपनी बात जो है रखते हुए नजर आ रहे लगातार, सर क्या है पूरा मसला? मसला ये है कि ये देश में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें लोग महसूस कर रहे हैं कि आज जो देश में परिस्थिति बनी है महंगाई की, बेरोजगारी की, कामदारों के शोषण की, किसानों से धोखाबाजी की, महिलाओं के उत्पीड़न की, महिलाओं की असलामती की, पूरे देश में लोकतंत्र का ध्वस्त होना, डराना, धमकाना, भाई ये सभी परिस्थिति इतनी असंतोष के बावजूद के जहाँ प्रधानमंत्री की रैलियाँ खाली जाए, कुर्सियाँ खाली रहे, होम मिनिस्टर की खाली रहे, बड़े बड़े भाजपा लीडरों को जाकारा मिले, और उसके बावजूद जब सब सर्वे एजेंसी कह रही थी, आपकी चैनल्स कह रहे थे और हमारे वर्कर कह रहे थे, इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि ये तीनों राज्यों में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और तीनों राज्यों में यानी कि कांग्रेस की फिर से सरकार बनी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बावजूद बड़े मोहब्बत से जब उनकी सरकार बनती है तो लोगों के मन में बड़ी आशंका पैदा होती है कि ये कुछ गड़बड़ है। तो ये आशंका की वजह एक है कि वो जो आज की जो इलेक्शन की सिस्टम है जहाँ वीवीपैट में से जो स्लिप जो है 7 सेकंड के लिए दिखाई जाती है, मगर उसके प्रिंट होके क्या जाता है किसी को पता नहीं है, उसमें काउंटिंग सील होती है बॉक्स से नहीं होती है वो भी किसी को पता नहीं है, किसने सील किया किसने नहीं किया वो भी पता नहीं है। तो ये टोटल नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसके मतदाता के मन में आशंका होती है कि मैं आपको एक पैकेट दे दिया, कह दिया ये 100 का पैकेट है, मगर वो 100 का है, बीच में क्या है क्या नहीं आपको पता नहीं चलता जब तक आप उसको हाथ में लेके देखते नहीं हो, गिनते नहीं हो। तो वो स्लिप मतदाता के हाथ में दी जाए और वो खुद ही बैलेट बॉक्स में डालें और वो बैलेट बॉक्स को आप कंपेयर तो करते ही हो वीवीपैट के बॉक्स को, तो ये बैलेट बॉक्स को आप जो है कंट्रोल यूनिट से कर लो, इसमें कोई ना तो कोई खर्च है ना तो कुछ ज्यादा टेक्निकोलॉजी है, सिर्फ और उसको एक जो है स्लिप मतदाता के हाथ में देना है इतना छोटा सा संशोधन के लिए, और इसको गिना जाए वो कहा है वो इंडिया एयरलाइंस ने काउंटर इसने इंडिया एयरलाइंस ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया एयरलाइंस ने सभी तज्ञों से चर्चा करने के बाद सब पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस देश की इन्होंने इलेक्शन कमीशन से आवेदन दिया, मिलने का समय मांगा, आज तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये जो है इसके लिए मेरी समझ में मतदाताओं को अधिकार बनता है कि उसकी मतदान की जो है उसने जिसको वोट दिया है वो वहां तक पहुंचे, उसका वो भरोसा बना रहे और वो भरोसे से जो है वो आगे बढ़ पाए। तो ये भरोसा उसका आगे बढ़ पाए उसके लिए आज इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देते हैं, ऑथोरिटी संज्ञान नहीं लेते हैं, कोर्ट संज्ञान नहीं लेते हैं, तो इतना प्रचंड लोकमत बना है कि जिसकी वजह से हर लोग मजबूर हो जाए कि ये नागरिकों को मतदाताओं को उसका अधिकार दे, वो आपके जरिए ये बात के लिए मैं मतदाताओं को जागरूक करना चाहता हूँ। एक दूसरा, हम कई समाचार सुनते हैं, हेरा फेरी की सुनते कि पेटी मिली, बॉक्स बदल दिए गए, ये हुआ, सील नहीं टूटे हुए थे, सील नहीं किया था, सील बदल गया था, दिखाया नहीं गया, मगर वो एक लोकल लेवल पे होता है, उसमें उसकी वजह से थोड़े बहुत मौतों को जरूर से प्रभावित कर सकते हैं ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो उसमें भी जब आज ये देश में इतनी गंभीर परिस्थिति बनी हुई है कि जहाँ सत्ता का परिवर्तन प्रजा का मतदाता का लक्ष्य है, तो मेरी मतदाताओं से अपील है कि आप इतनी बड़ी मात्रा में मतदान कर दो, इतने जस्ट ओवरफ्लो आपके जो बैलेट बॉक्स ओवरफ्लो हो जाए कि जिसकी वजह से इस प्रकार की छोटी छोटी गांगलियों से 2-5 हजार वोट से वो जो गांगली करते हैं वो लोग जो है वो चुनाव के नतीजे को प्रभावित ना कर पाए। तो ये दो चीज मैं मतदाताओं के सामने रखना चाहता हूँ सबको। मैं तो हरियाणा के सभी जितने भी सिविल सोसाइटी है, किसान संगठन है, कामदारों के संगठन है, कर्मचारियों के संगठन है, युवाओं के संगठन है, महिलाओं के संगठन, सबसे अपील करूंगा कि ये आप भावना जो है आप मुद करें, प्रदर्शन करें, जैसे हर प्रकार के प्रोग्राम कैंडल मार्च कर सकते हैं, उसका कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, उसका कैंपेन सोशल मीडिया पे चला सकते हैं, मीडिया की बाइट दे सकते हैं, आप जैसे चैनलों को दे सकते हैं, मगर अपना वोट जो है अपना मत उसके लिए जो लोगों की नज़र में लाए, ऑथोरिटीज की नज़र में लाए। तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।